बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि इम्प्रूवमेंट कब कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जानते हैं कि इम्प्रूवमेंट क्या होता है। रिज़ल्ट इम्प्रूवमेंट ये होता है कि जब एक स्टूडेंट इम्तिहान देता है और उसके मार्क्स उसकी तवक्का से कम आते हैं तो वो उन मार्क्स को बढ़ाने के लिए इम्प्रूवमेंट का इम्तिहान देते हैं। तो आज की इस पोस्ट में हम बात करेंगे इम्प्रूवमेंट के तरीके। ये गेंटक फॉर आईटी का चैनल है जिसमें स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए मुख्तलिफ पोस्ट की जाती हैं। तो ये पोस्ट जो है ये इस मुतलका है कि रिज़ल्ट इम्प्रूवमेंट किन दो तरीक़ों से कर सकते हैं। इससे पहले मैंने बताया था कि बाज़ स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि जब वो नाइन्थ या ग्यारहवीं का इम्तिहान देते हैं तो उनके उसमें दो सूरतें होती हैं। एक सूरत तो ये होती है कि वो ग्यारहवीं का सारा इम्तिहान पास कर जाते हैं लेकिन उनके मार्क्स उनकी तवक्का के मुताबिक नहीं आते, और दूसरी सूरत हाल ये होती है कि वो कुछ मजामीन में से फ़ेल हो जाते हैं, ग्यारहवीं के नाइन्थ या ग्यारहवीं के कुछ मजामीन में से वो फेल हो जाते हैं। इस सूरत में भी वो दोबारा इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। तो बाज़ तरीक़ों में रजिस्ट्रेशन मंसूख करवाई जाती है और बाज़ तरीक़ों में रिज़ल्ट मंसूख करवा के दोबारा नाइन्थ या ग्यारहवीं के इम्तिहान में बैठा जाता है। लेकिन उस तरीक़े को हम री रजिस्ट्रेशन या री इम्प्रूवमेंट का नाम देते हैं, री रजिस्ट्रेशन या री एडमिशन का नाम देते हैं, इम्प्रूवमेंट का नाम हम उनको नहीं देते। अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो ये है कि रिज़ल्ट इम्प्रूवमेंट किन दो तरीक़ों से कर सकते हैं। तो उनमें से पहला तरीका ये है कि आप ग्रुप वाइज इम्प्रूवमेंट अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप का मतलब ये होता है कि आप यहाँ सारा पार्ट वन इम्प्रूव कर सकते हैं या सारा पार्ट टू इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर दोनों पार्ट्स के तमाम मजामीन इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है मजमून या सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट करना। ये सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट इस तरीके से होती है कि चूँकि अगर एक बच्चा इंग्लिश का इम्तिहान देता है और वो इंग्लिश पार्ट वन और पार्ट टू दोनों के नंबर्स को मिला के पास होता है, मिसाल के तौर पर पार्ट वन में उसके 20% मार्क्स हैं और पार्ट टू में उसके 50% मार्क्स हैं, तो टोटल 66% चाहिए, तो वो फिर भी पास नहीं होता। अगर उसके पार्ट वन में मार्क्स थोड़े हैं और पार्ट टू के मार्क्स मिलाकर उसके मार्क्स 66 मार्क्स से ज़्यादा हो जाते हैं तो इसका मतलब है वो पास होता है। यानी कि पूरे मजमून में पास होने के लिए पार्ट वन पार्ट टू दोनों के नंबर्स को मिलाकर उसका रिज़ल्ट देखा जाता है। इसी तरह सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट में ये होता है कि उसके दोनों मजामीन के नंबर मिलाकर अगर उसके नंबर साबका नंबर से एक सब्जेक्ट के नंबर से ज़्यादा हो तो समझा जाता है कि उसने इम्प्रूव कर लिया, अगर नंबर कम हो तो समझा जाता है कि उसने इम्प्रूवमेंट नहीं किया। यानी दोनों पार्ट्स के दोनों मजामीन के अगर पार्ट वन में वो क्या कहते हैं बायो है और पार्ट टू को अभी बायो है तो दोनों को मिलाकर अगर पहले से ज़्यादा हो तब वो इम्प्रूवमेंट समझा जाता है। तो ये होता है मजमून वाइज या सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट हम इससे पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियोज़ आपको गेंटक फॉर आईटी की तरफ से पेश की जा रही हैं। इससे आगे आपको जो पोस्ट देखनी है मैं उनको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे मज़ीद आपकी इलम में इजाफा हो। एक तो ये है कि इम्प्रूवमेंट क्या होता है और कब कर सकते हैं, और दूसरा ये होता है कि ग्रुप वाइज और सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट क्या होती है। इन दोनों तीनों पोस्टों के वो क्या कहते हैं एक लिंक मैं ये भी दूंगा जिसमें इम्प्रूवमेंट के तमाम पोस्ट मैंने इकट्ठी कर दी हैं। तो ये तीनों
पोस्ट देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक को क्लिक कर सकते हैं। तो अब मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।